सो हे गाइस, वेलकम टू द टेक फार्मेसी। आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे बोया की तरफ से आने वाला माइक जिसका नाम है BY-MM1+। ये दोस्तों सोफर कार्डिको कंसीडर शॉटगन माइक्रोफोन है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है ब्लॉगिंग के लिए, यानी जो ब्लॉगर होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और काफ़ी बजट फ्रेंडली ये प्रोडक्ट आ जाता है। मतलब जो रोड का माइक होता है उसके बाद जो बेस्ट फ्रेंडली होता है या फिर अच्छा होता है वो आपके लिए ये माइक बहुत ही कंफर्टेबल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में शॉर्ट रिव्यू देंगे, इसका क्वालिटी चेक करेंगे, वॉइस क्वालिटी किस प्रकार से होता है, तो वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों बोया जैसे आप जानते हो काफ़ी ज़्यादा माइक्रोफोन्स वगैरह बनाते हैं, जिससे आप अभी आवाज़ सुन रहे हैं वो भी एक बोया का ही माइक्रोफोन है, लेबलर माइक है, जो काफ़ी सस्ता 600 से 700 रुपये आता है। दोनों के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो सामने की तरफ कुछ इस प्रकार से आता है, यहां पर लिखा है शॉटगन और पायर बाय राइक्टो। कंफर्टेबल है आपका फ़ोन के साथ, टैबलेट के साथ, लैपटॉप के साथ, कैमरे के साथ और जो कैमकॉर्डर होता है उनके साथ भी। राइट की तरफ यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रखी है कि भैया साउंड क्वालिटी अच्छी है, राइटो लेयर इंक्लूड है, नो बैटरी, इसमें कोई बैटरी का रिक्वायर्ड नहीं होता है और 3.5 mm का सपोर्टेबल जैक होता है। पीछे की तरफ भी इसके बारे में आपको बता रखा है कि भैया आप DSLR के साथ यूज़ कर सकते हैं, आपका ड्यूरेबल मेटल कंसीडर है आपका अच्छे से है और कोई भी इसमें बैटरी वैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। साथ में इसको यहाँ पर नेट वेट है 60 ग्राम, जो काफ़ी लाइट वेट होता है और मेड इन चाइना होता है। बोया की ब्रांडिंग है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से इसको अनबॉक्स करेंगे, वैसे मैंने इसको खोल रखा है एक बार, तो यहाँ से सिंपली इसको खोलेंगे इस प्रकार से, ये यहाँ से खुल जाएगा और बाहर निकालते हैं इसको। तो कुछ इस प्रकार से इसमें क्वांटिटी या कहीं तो प्रोडक्ट्स वगैरह दे रखे हैं। ये गाइड बुक है जिसको शायद आज तक कोई पढ़ा नहीं होगा। और केबल की बात करते हैं तो इसमें आपको 2 केबल्स मिलती है जिसमें आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं एंड कैमरे के साथ। तो ये वाली जो है आपका स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा है, और ये वाली जो होगी ये कैमरे के साथ, आपको बता भी रखा है कि भैया आपने किस किस तरफ से लगाना होता है। ये जो माइक है दोस्तों BY-MM1+ माइक इसलिए है क्योंकि ये प्लस अपग्रेडेड वर्जन है, जो पुराना शॉटगन माइक आता था वो BY-MM1 है। अब प्लस क्यों होता है ये, इसमें भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक ये बाल, जो इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे भी नाम है कैटगट का कुछ, जो विंड ब्लास्ट को रोकने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर आप बाहर ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो। ये मिल जाता है आपको एक शॉट या शॉक मिल जाता है जो स्टैंड करने के लिए हो जाता है। यहाँ पर आपका माइक्रोफोन लगता है और ये वाला जो होता है आपको शू माउंट में या कैमरे के ऊपर आप इसको अटैच कर सकते हैं। ये इसमें मिल जाता है एक सिलिका जेल, जिसके बारे में काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, जो ये प्रोडक्ट की नमी को सूखने में यूज़ करते हैं ताकि प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम ना हो। एक मिल जाता है आपको पाउच जो इसको कैरी करने के लिए काफ़ी अच्छा है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इसमें रखने के लिए। और 2 मिल जाते हैं आपको बोया के स्टिकर्स। और ये है हमारा पूरा जो माइक्रोफोन होता है, जो इसमें ये माइक आपको देखने को मिल रहा होगा, इस प्रकार से माइक होता है यहाँ से। अब ये प्लस की बात करते हैं, जो प्लस आया था जो पुराने वाले में था ये वाला नहीं था जो हेडफोन का है इसमें। इसमें आप क्या कर सकते हैं, लाइक जैसे कि आप कोई क्लास वगैरह ले रहे हैं तो आप इसमें हेडफोन लगाइए, आपको अपनी आवाज़ ही सुनाई दे पड़ेगी। और ये लाइन आउट का माइक है, इसमें आपने माइक का जो भी आप वायर है हुआ, जैसे कि आपका ये स्मार्टफोन का है, तो यहाँ पर इन्होंने स्टिकर लगा रखा है कि माइक्रोफोन का, इसमें आपको लाइन आउट में इस प्रकार से अटैच करना है। और ये वाला जो करना है आपने मोबाइल के 3.5 mm के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो प्लस इसीलिए इसको किया गया है क्योंकि इसमें ये एयरफोन का दे रखा है। MRP या कीमत की बात करें तो 2000 से 2200 रुपये का ये आपको मिल जाता है, सेल वगैरह में थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है। प्लस और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यही फ़र्क होता है, लेकिन साउंड क्वालिटी इसकी जो होती है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। अब इसको अटैच कैसे करते हैं, तो यहाँ से इसको ये जो माउंट आप देख रहे होंगे इसमें आपने सिंपली इसको लगाना है। अगर आप इसको इंडोर में यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बाहर यूज़ करेंगे तो आपको ये वाला जो होता है इस प्रकार से इसको लगा दीजिए, तो ये जो होता है विंड ब्लास्ट को रोकने में काफ़ी बढ़िया से काम करता है।
तो ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, बस यही है माइक इसका काफ़ी बढ़िया होता है। हमारा दूसरा चैनल है अंकुश तनवार वी लॉग्स के नाम से, या द मेडिकल ब्लॉगर, उस पर मैंने काफ़ी ब्लॉग्स बनाए हैं इस माइक्रोफोन से और काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी बना रखी है, तो चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया माइक है, साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया है। अब आप इसको रोड से कंपेयर करेंगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, कहाँ 2000 है कहाँ 10000 है, तो वो चीज़ें आपको ये क्वालिटी नहीं दे पाएंगी, थोड़ा बहुत आपको कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। तो साउंड क्वालिटी चेक करते हैं इसके किस प्रकार से साउंड क्वालिटी है, तो अभी आपको दिखाते हैं। सो गाइस, जो अभी आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हैं वो बोया BY-MM1+ माइक से आ रही, जो शॉटगन माइक है हमारा, जिसमें मैंने अंदर इंडोर में इसको शूट कर रहा हूँ, तो इसमें कैट वगैरह का लगा रखा है। अभी हम इसको विदाउट कैट के, मतलब इसको हटाने के बाद आप आवाज़ सुन रहे हैं, तो आपको साउंड का, इसका क्वालिटी का पता चल जाता है कि किस प्रकार से इसकी साउंड क्वालिटी होती है, जिससे आप इसको लेने में आसानी होगी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल माइक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2000 से 2500 रुपये में आप अपना ब्लॉगिंग सेटअप यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया से आप यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था कुछ बोया BY-MM1+ माइक का रिव्यू, छोटा सा रिव्यू, अनबॉक्सिंग का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कुछ भी पर्सनली पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलता है नई वीडियो में, ओके बाय टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।